गाइस बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में राज सांडलिया द्वारा डायरेक्ट मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला। इस फिल्म के जरिए राजकुमार राव एक बार फिर विक्की बनकर दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। पिछली मूवी स्त्री 2 में भी उनके किरदार का नाम विक्की था। पहली बार राजकुमार और तृप्ति डिमरी की जोड़ी आने वाली मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आएगी। इसी बीच मूवी एक और वजह से चर्चा में है। राज सांडलिया द्वारा डायरेक्ट मूवी का ट्रेलर जारी होने के बाद इस पर बहुत ही बड़ा आरोप लगा है। वैसे तो इस कॉमेडी मूवी को इसके ट्रेलर के जरिए काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन इसके कई सीन देखने के बाद आपको हॉलीवुड मूवी की याद आ जाएगी। कहा जा रहा था कि ये मूवी कैमरून डियास और जेसन सेगल की मूवी की कॉपी की गई है पर अब इस पर डायरेक्टर राज सांडलिया अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉलीवुड मूवी भी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि मेरी मूवी हॉलीवुड मूवी से एकदम अलग है, उनके किरदार भी एक जैसे नहीं है। ट्विटर पर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ये मूवी हॉलीवुड की रीमेक है तो मैंने कहा कि हमारी फिल्म में कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है। हमारे एक लेखक ने मुझे बताया कि उस मूवी में उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। हमारी मूवी का वीडियो कपल ने बनाया है और उनकी लापरवाही कारण सीडी खो गई है। डायरेक्टर ने आगे भी कहा कि मेरी मूवी उस मूवी से मेल खाती नहीं है, प्रेरित ही नहीं है। वहीं इस मूवी का सीक्वल भी जल्द ही आने वाला है। ये मूवी उस दौर में लिखी गई थी जब इंटरनेट भारत में आया था। पार्ट 2 की कहानी लगभग 10 से 15 साल बाद की होगी और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भूषण कुमार के टी सीरीज द्वारा निर्मित है। राजकुमार और तृप्ति के अलावा विजय राज, मल्लिका शेरावत और टिकू तलसानी और अर्चना पुरन सिंह भी नजर आएंगे और ये मूवी 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी।